आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम में इस तरह के काफी सारे पेपर बैग्स हमारे घरों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्हें रीयूज करना तो बनता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ DIYs आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास इकट्ठा है कुछ इस तरह के पेपर बैग्स और देखते हैं कि इनसे हम कौन कौन सी चीजें बना पाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिया है ब्लिंकिट का एक ये बड़ा सा बैग और इसके बॉटम को मैंने खोल लिया है। धीरे धीरे से अगर खोला जाए तो इसके जॉइंट्स को आसानी से खोला जा सकता है और इसके दोनों हैंगर्स को भी मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह से इसे मोड़ कर कट कर लिया है और एक स्क्वायर शेप का पेपर हमें मिल जाएगा और फिर इसे दोबारा से हमने बीच से कट कर दिया है कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये वाला DIY काफी ज्यादा आसान है। बस आपको जैसे बचपन में हम लोग पंखा बनाया करते थे, पेपर को कुछ आगे पीछे मोड़ कर इसी तरीके से हमें इस पेपर को भी फोल्ड कर देना है और हमारा एक ये काफी बड़ा सा एक लीफ तैयार हो जाएगा जो काफी खूबसूरत सा लग रहा है। सेंटर से इसे चिपका कर हमने इसको रख दिया है एक साइड। उसके बाद जो बचा हुआ पेपर था उसको भी मैंने स्क्वायर कट करके कुछ इस तरह से रोल करते हुए इसकी स्टिक को बनाया है और इसे हमें अच्छे से अटैच कर देना है। चाहे तो एक किसी भी रोप का हेल्प हम ले सकते हैं। और फाइनली मैंने इसमें एक गोल्डन स्प्रे पेंट से इसे कलर कर दिया है। और अगला जो पेपर बैग है मेरे पास वो कुछ इस वाले शेप का है जिसमें हम लोग मिठाई वगैरह के सामान लाते हैं, उस तरह का शेप इसका है। तो इसके हैंडल्स को सावधानी से रिमूव करके इसको मैंने बीच से फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा बन गया एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स और ये मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। और ऐसा ही एक और बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और इसमें भी हैंडल्स थे, तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके साथ इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर भी मैंने इस बैग को बीच से फोल्ड किया है, पर हाँ यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और इसके सेंटर को मजबूत करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया है और इसके जो हैंडल्स बचे हुए थे उसे मैंने कुछ इस तरह से इस ऑर्गेनाइजर में अटैच कर दिया है। और नेक्स्ट फिर से मेरे पास एक बड़ा सा पेपर बैग है और इससे मैं एकदम ही डिफरेंट चीज आपके लिए बनाने वाली हूँ। इसके भी मैंने बॉटम को ओपन कर लिया है क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एक बड़ा सा पेपर चाहिए किसी भी DIY को बनाने के लिए। और इसके हैंडल्स को भी मैंने हटा लिया है और अब मेरे पास है एक बड़ा सा पेपर और इसकी कुछ स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं और ये ऑलमोस्ट 2 inches की चौड़ाई वाली स्ट्रिप्स मैंने इसे कट कर ली हैं और इनको मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरह से, कुछ डबल फोल्ड लगा कर इन्हें सिक्योर कर लिया है और इस तरह की ढेर सारी स्ट्रिप्स मैंने बना ली हैं। और इसके बाद मैंने लिया है इस तरह का एक कार्डबोर्ड बॉक्स और इसे हम फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं वीविंग के थ्रू। और इन स्ट्रिप्स को मैं लगातार यहाँ पर लगाती हुई चली जाऊंगी और इसके बाद जैसे हम बुनाई करते हैं ना, एक स्ट्रिप को अंदर और एक स्ट्रिप को बाहर, इस तरह से हम इसमें वीविंग कर लेंगे। और इसके जो खुले हुए सिरे हैं उनको अंदर की तरफ हमने चिपका दिया है और फाइनली ये हमारा बॉक्स चारों तरफ से वीविंग के थ्रू बन चुका है। और इसके अंदर की तरफ मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया है ब्लैक पेंट से और इसके सेंटर पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पेपर लगा दिया है और ये हमारा बन गया एक बहुत ही यूनिक सा ऑर्गेनाइजर जो किसी भी जगह को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज के DIY आइडियाज एक पुराने पेपर बैग से। आई होप कि ये आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।